कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब मुकदमा दर्ज करने की भी चुनौती दी और एक और ट्वीट किया। इसके बाद बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस के नेताओं पर सेना का मनोबल कमजोर करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर माफी मांगने के लिए भी उन्हें कहा है, जिसके बाद पुलवामा हमले पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, मेरे जिस ट्वीट पर आप और आपके मंत्रीगण मुझे पाकिस्तान समर्थक मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं, वो मैंने दिल्ली से किया था जहां की पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दरअसल दिग्विजय सिंह पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं और उसके बाद अब एक नया ट्वीट। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि अगर आप में साहस है तो मेरे ऊपर मुकदमा दायर करें। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद सबूत की बात दिग्विजय सिंह ने कही और उसके बाद पुलवामा आतंकी हमले को दुर्घटना बताया और ऐसे में लगातार घिरते नजर आए और अब दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर साहस है तो मुझ पर मुकदमा दायर करें। इसको दुर्घटना करारने की साहस दिग्विजय सिंह ने कैसे किया है? देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। आजकल इनके बोल, पहले हम टेलीविजन पर पाकिस्तान के कुछ आर्मी जनरल्स पत्रकार आकर के उनके आवाज सुनते थे, तो आज उनकी भरपाई दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ममता बनर्जी की पार्टी, ये लोग करने लगे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी कितना विमर्श को और गिराएंगे? साड़ी और शॉल का आदान प्रदान विपक्ष के लोगों ने नहीं किया था प्रधानमंत्री जी, और अफगानिस्तान से आते वक्त हवाई जहाज का रुख विपक्ष ने नहीं मोड़ा था प्रधानमंत्री जी। आपके लोग क्या क्या कह रहे हैं? येदुरप्पा जी का बयान आपने सुना ही होगा प्रधानमंत्री जी, आप चुप भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस पर भी आप चुप हैं। एक शहीद की माँ क्या बोल रही है उसको सुनिए, तिरंगे में लिपटे हुए अपने बेटे के शव के बारे में। एक शहीद की पत्नी क्या कह रही है उसको सुनिए प्रधानमंत्री जी। अक्सर जब चुनाव आता है ना तो आप पाकिस्तान का राग अलापने लगते हैं,